बना रहा हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ टू डॉट सेलेक्टर्स, CSS सेलेक्टर्स। अच्छा, और इसको थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। CSS सेलेक्टर्स, हम कल हमने ये हेलो वर्ल्ड वाले फोल्डर में काम किया था। अच्छा, कल क्या किया था, हम ज़रा उसको रिवाइज भी कर लेते हैं थोड़ा सा। बेसिक HTML लिखी थी एक हमने, और तीन तरीके हमने डिस्कवर किए थे जो CSS को अटैच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नंबर एक, इनलाइन CSS, जो कि रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है इंटरनल CSS, ये भी रेकमेंडेड नहीं है, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी हम जब चार पेजेस वाली वेबसाइट बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों रेकमेंडेड नहीं है ये। अच्छा, नंबर थ्री है एक्सटर्नल CSS, जो कि रेकमेंडेड है, यूज़ करना चाहिए आपको। जो प्राइमरी जो भी आप CSS लिखेंगे वो आप एक्सटर्नल CSS में लिखेंगे, ठीक है। बाकी दो जो है वो ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्लास में मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल CSS सेम पेज पे थोड़ा समझाने में मुझे आसानी होती है, और हमारी CSS बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 1000 लाइन का कोड हम यहाँ पे नहीं लिखने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इंटरनल यूज़ करूँगा। ऑन अदर हैंड, जो आप नॉर्मली प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें 1000 लाइन तक आप पहुँच जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS में दो फाइलें होती हैं, तो अलग अलग रहता है कंसर्न वैन। तो अब मैं इसी तरह का एक index.html का पेज यहाँ पे बना लेता हूँ CSS सेलेक्टर के अंदर। index.html और ये एक बेसिक HTML मैंने लिख दिया, इसमें एक हेडिंग लगा देता हूँ मैं CSS सेलेक्टर्स, और उसके बाद में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ CSS कुछ HTML मुझे ऑब्वियसली चाहिए होगी जिस पर मैं CSS अप्लाई करूँगा। तो आपकी बुक में ना यहाँ पे इन्होंने कुछ एक HTML बनाकर बताया है, तो मे बी मैं इसी HTML को कॉपी करके इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ HTML यहाँ पे इन्होंने बनाकर बताया है। तो इस HTML को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या नज़र आता है, हेडिंग नज़र आती है ऊपर H1, उसके बाद एक पैराग्राफ नज़र आता है जिसके अंदर एक ID मेंशन हुई हुई है, इस पैराग्राफ की आइडेंटिफिकेशन हुई हुई है इंट्रो के नाम से। अच्छा, फिर उसके अंदर कुछ हमें टेक्स्ट नज़र आता है उस पैराग्राफ के अंदर, और टेक्स्ट के दरमियान में कुछ इटैलिक किया हुआ है कुछ टेक्स्ट को, और कुछ को बोल्ड किया हुआ है। फिर एक दूसरा पैराग्राफ है जिसके अंदर ना कोई आईडी लगी हुई है और ना अंदर उसके कोई एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास। अब हम बुक में ये देखते हैं कि सेलेक्टर कौन कौन से हैं और उस पर हम कैसे अप्लाई कर करके एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल सेलेक्टर, जैसे कि अभी आपके दोस्त ने जिक्र किया कि यूनिवर्सल सेलेक्टर करके अगर मैं कोई चीज़ लगाता हूँ तो वो क्या होगा, वो मेरे HTML के डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम पे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से यहाँ पे करके देखते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल करूँगा ताकि सेम पेज पे मैं ऊपर नीचे करके ईज़िली दिखा सकूँ, बावजूद इसके कि ये रेकमेंडेड नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई स्टैरिक सेलेक्टर लगाया, ठीक है, इससे पहले हम टैग का नाम लिखकर सेलेक्टर लगा चुके हैं, और मैंने यहाँ पे आके बोला कलर और कहा रेड, सही है। तो मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो इसको ज़रा हम गो लाइव का बटन दबा देते हैं और ये सारा का सारा रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर मैं ये बोलता कि सिर्फ क्या कर दो, H1 को रेड करो, अगर मैं ये सेलेक्टर H1 लगाता जो हम शुरू में लगाते थे, तो फिर सिर्फ H1 ही रेड होगा। मेरे पास दो H1 है इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टैरिक लगा के उसको रेड कर दिया, तो सारे डॉक्यूमेंट का कलर रेड हो गया। अच्छा, अब अगला सेलेक्टर हमारे पास कौन सा है, टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर इस चैप्टर में पहले यूज़ हम कर चुके हैं, अभी भी हमने करके देख लिया। टाइप सेलेक्टर में क्या होता है कि हम HTML एलिमेंट का नाम मेंशन करते हैं और उसके नाम से हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो H1 का जो एलिमेंट है, एलिमेंट तो जब होगा जब एंगल ब्रैकेट लगी हुई होगी उसमें, लेकिन उस एलिमेंट का नाम क्या है, वो H1 है, सही है। एलिमेंट का नाम H2 है। ये क्विज में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर वो इसमें ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं तो क्या ये P होगा, तो ये उसका जवाब है
के H1 उस एलिमेंट का नाम है, और जब हम टैग्स के साथ लिखते हैं तो वो एलिमेंट का कोड है। तो कोड और नाम दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सब जब आप जुमले में रेफ़र करेंगे तो ज़ाहिर है कोड उसमें नहीं लिखेंगे आप, उसमें नाम से रेफ़र करेंगे आप। अच्छा, तो CSS में भी आप इसको नाम से रेफ़र करते हैं कि एलिमेंट का जो भी नाम होता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार आप आ जाओ और H1 पे कॉमा, और किस पे H1 को और पैराग्राफ को मैं कुछ देना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा यार आप ले लो कोई ऐसी चीज़ जो विजिबल हो। क्या होती है वो? अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, राइट? ठीक है, तो मैंने कहा H1 और पैराग्राफ, ये दो एलिमेंट्स को क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। तो ये आप देखें सब कुछ ही अंडरलाइन हो गया। अगर लास्ट में मेरे पास कोई और होता, एक पैराग्राफ मिसाल के तौर पे एक UL होता मेरे पास, सही है, Item 1, Item 2, Item 3, तो ये अंडरलाइन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इस सेलेक्टर का नाम नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से P हटा दूँ, मैं सिर्फ H1 बोलूँ तो सिर्फ H1 पे लगेगा ये। ठीक है, तो स्टैटिक से मैं क्या कर रहा था, तमाम पे लगा देता था। एलिमेंट का नाम लिख के भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि यार जो फला फला एलिमेंट है उस पर लगा दो। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अब ये आगे वही आ रहा है, क्लास सेलेक्टर। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दो पैराग्राफ्स हैं ना, तो हम दोनों पे ना लगाएं, हम एक पैराग्राफ पे लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पेज पे तो पैराग्राफ हो सकता है 200 पैराग्राफ हो, तो मैं ज़रूरी थोड़ी है कि सब पे लगाना चाहूँ। तो यहाँ पे क्लास आती है, तो मैंने एक पैराग्राफ को क्लास दे दिया। मैंने कहा कि आप क्या हो? ब्लू हो आप, सही, कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का, राइट? तो ये क्लास मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, अभी बनाना बाकी है। ये क्लास बनेगी कैसे? CSS में जाके मैं लिखूँगा कि डॉट ब्लू जो है ना, उसको क्या कर दो, उसका कलर ब्लू कर दो आप। ठीक है, तो जिस क्लास पे ब्लू लगाया हुआ था मैंने, वो क्लास क्या, वो वाली जो चीज़ है, जो भी स्टाइलिंग होगी, मतलब ब्लू के अगेंस्ट मैं यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा वो किधर अप्लाई हो जाएगी? जहाँ जहाँ पे ब्लू वाली क्लास मैंने अप्लाई की हुई होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है जी, ये ब्लू हो गया, सिर्फ एक पैराग्राफ ब्लू हुआ है ये। अच्छा, इसी पैराग्राफ के ऊपर अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो स्टैरिक करके इस पर रेड लगा हुआ है, लेकिन ये रेड क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ये ब्लू क्यों अप्लाई हो गया, कोई बता सकेगा? बाद वाला कोड ओवरराइट कर देता है। हमने ये सीखा था इसी चैप्टर के शुरू में कि हाउ CSS कैस्केड, तो उसमें तीन रूल ऑफ थंब लिखे हुए थे कि अगर दो स्टाइल एक ही एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए तो वो कौन से वो चूज करेगा। ठीक है, नंबर एक, जो बाद में लिखा हुआ होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उसको पिक करेगा, और जो मोर स्पेसिफिक होगा, अगर मिसाल के तौर पे दोनों एक बाद में या एक पहले लिखे वाला केस नहीं है, अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरे वाले को देखेंगे कि जो ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो इसमें से ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सा है? क्लास वाला ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल जनरल है कि सब पे लगा दो। ठीक है, तो बावजूद इसके कि अगर मैं इसको पहले भी कर दूंगा ना, यहाँ पे भी कर दूंगा, तो अप्लाई कौन सा वाला होगा? ब्लू वाला ही होगा, क्योंकि ये मोर स्पेसिफिक है, ब्लू वाला। और तीसरा वाला क्या था? तीन रूल थे ना, इतनी जल्दी भूल गए, सोचो, इतनी जल्दी भूल गए। तीन रूल ऑफ थंब थे ना कि हाउ CSS कैस्केड में उन्होंने जो बताया था, तीन बातें बताई थी। एक तो ये बताया था कि जो बाद में लिखा हो, दूसरा जो मोर स्पेसिफिक हो, और तीसरा इम्पॉर्टेंट, जिस पे इम्पॉर्टेंट मेंशन हुआ हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बावजूद इसके कि ब्लू को क्या कर दिया है, पहले कर दिया है और ये बाद में, लेकिन अप्लाई स्टिल ब्लू हो रहा है, क्योंकि ब्लू इज़ मोर स्पेसिफिक। ब्लू बता रहा है कि इस जगह पे जाके लगाओ, स्टैरिक में ये बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं अब इसको मोर स्पेसिफिक भी, आपको पता है कैसे होगा कि इसके अंदर जो चाइल्ड है उस पर, ऐसे अभी चाइल्ड सेलेक्टर देखेंगे हम। ठीक है जी, तो ये ब्लू कर दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पर Item 2 जो है, LI के अंदर जो Item 2 है, इसको भी मुझे ये ब्लू करना है, तो मैं यहाँ पे भी क्लास दूंगा इसको और बोलूँगा कि भाई आप भी ब्लू हो जाओ, सही है। तो ये देखो सिर्फ Item 2 ब्लू हुआ है। हाँ, अब हो गया, मैंने इसको ऐसे करके दिया है,
ब्लू, राइट। और ये ऐसे यहाँ पे आइटम नंबर टू ब्लू हो गया। अच्छा तो क्लास हम क्या कर सकते हैं, एक दफा बना लेते हैं यहाँ पर CSS में, और उसको जितने एलिमेंट्स पे चाहें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक साथ अगर मुझे दो क्लास देनी हो किसी एलिमेंट को, तो स्पेस डाल के मैं दे सकता हूँ, सही है। अच्छा एक में क्लास और डिस्कनेक्ट कैसे हो जाता है यार ये, हर थोड़ी देर में। अच्छा मैंने एक क्लास ये बना ली, एक क्लास मैंने बोल दिया कि बॉक्स या बॉर्डर इसका मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है। और मैं कह देता हूँ इसमें एक अप्लाई कर देता हूँ कि भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब ये बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ये अभी बुक में आगे आएगा। ये एक स्टाइलिंग है, हमने ये शुरू में ही इस चैप्टर के हमने ये सीख लिया है कि एक क्या होता है सेलेक्टर होता है, और उसके आगे ये वाली क्या चीज़ होती है, अब ये भी भूल ना जाना, ये वाली चीज़ पूरी क्या है, ये लाइन डेक्लेरेशन है ये, ठीक है। अब डेक्लेरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक उसकी वैल्यू होती है, तो CSS वहीं पे कंप्लीट हो गई थी आपकी, CSS आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, यही होता है ना CSS में, और तो कुछ नहीं होता। अब जो बाकी रह गया सीखना CSS में, वो क्या रह गया कि सेलेक्टर कौन कौन से होते हैं वो अभी हम कर रहे हैं, सेलेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं वो अभी हम कर रहे हैं। नंबर दो, डेक्लेरेशन कौन कौन सी हो सकती है, कलर हो सकता है, बॉर्डर हो सकता है, टेक्स्ट डेकोरेशन हो सकती है, तो ये एक लिस्ट होगी कहीं ना कहीं पूरी बनी हुई होगी, समझ रहे हो। तो ये CSS आपकी हो चुकी है उधर ही, अब हम जस्ट ये एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हो सकती हैं जो मैं डिक्लेरेशन में लगाऊंगा। तो CSS में अब यही रह गया, हम HTML भी हमने इसी तरह पढ़ा था, शुरू दिन में ही हमने मार्कअप समझ लिया था कि क्या होता है, फिर हमने मज़ीद एक्सप्लोर किया कि अच्छा कौन कौन से मार्कअप्स हो सकते हैं और उस पर कौन कौन से एट्रीब्यूट लग सकते हैं। तो इसकी भी हम एक लिस्ट देखेंगे अभी, सेलेक्टर ज़रा कंप्लीट हो जाए ना। काम करें ना 5 उनको फिक्स 7 पे बुलाएं, 7 पे अच्छा। तो ये क्लास सेलेक्टर हमने देखा, हाँ मैं ये कर रहा था कि एक और मैं क्लास बना रहा था ना, अब ये दो क्लास हो गई है, ठीक है। इसको दोनों को मैंने अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि सम टाइम मैं किसी आइटम को जस्ट ब्लू करना चाहता हूँ, किसी आइटम को मैं जस्ट बॉर्डर देना चाहता हूँ, और किसी को मैं दोनों करना चाहता हूँ, स्लो चल रही है थोड़ी, स्टॉप नहीं हुई है, असल में मुझे समझ आ गया क्यों स्टॉप हो रही है ये, मैं जिस वाईफाई से कनेक्ट हूँ वो उसके सिग्नल वीक है। अब आई होप ये बेहतर हो जाएगी, ठीक है, अभी फुल सिग्नल वाले से कनेक्ट हो गया हूँ। अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस आइटम को मैंने ब्लू भी करना है और बॉक्स भी करना है, बॉर्डर भी करना है, ठीक है। तो ऊपर मैंने दो क्लास बनाई थी, एक ब्लू एक बॉर्डर, तो मैंने इसको ब्लू भी दे दिया और बॉर्डर भी दे दिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये इस पे ब्लू कलर भी अप्लाई हुआ और बॉर्डर बना हुआ भी आ गया, बट हेडिंग को मैंने क्या करना है, जस्ट बॉर्डर बना के दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि आप क्लास ये ले लो आप बॉर्डर, ठीक है। अच्छा जो क्लास का सबसे बड़ा यूज़ केस होता है वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास नेविगेशन बार है, अब उसमें 4 बटन है या 5 बटन है, अब इन फ्यूचर में हो सकता है 2-4 बटन और भी ऐड कर दूँ, 10 बटन, 10 तो नहीं होते वैसे, 10 होते हैं तो फिर मैं उसको कम करने की, तो 5-6 तक हो सकता है। तो मुझे सारे बटन्स पे क्या करना है, एक जैसी स्टाइलिंग लगानी है। तो बजाय इसके कि मैं हर एलिमेंट का नाम लिखूँ, मैं एक क्लास बना देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ बटन, ठीक है। मैं एक क्लास बना देता हूँ और बटन पे जो जो स्टाइलिंग होनी होती है, मिसाल के तौर पे बटन के ऊपर एक बॉर्डर होगा, बटन की एक विड्थ होगी, एक हाइट होगी, ठीक है। बटन पे अगर कोई शेडो आता है तो वो होगा, बटन का एक कलर होगा कि ब्लू कलर का बटन है, अच्छा बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एक कलर होगा, वाइट होगा मोस्ट प्रॉबली अगर बटन ब्लू है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक क्लास इसकी बना देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मैं बटन की एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, डॉट बटन, सही हो गया जी। तो ये बटन की क्लास बन गई। अच्छा, अब मैं ये बटन की क्लास किसको देने लगाऊँ, ये जो एल आई है ना मेरे, इनको देने लगाऊँ। ठीक है, और मैं इस यू एल को एक क्लास देने लगा हूँ, क्या भला कि ये क्या है, ये नैव है। तो मैंने कहा नैव और बटन, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे भी मेरी दो क्लास बनेगी, नैव और बटन। अच्छा, तो नैव को सबसे पहले क्या बोलूँगा मैं, डिस्प्ले आप हो जाओ, फ्लैक्स हो जाओ। डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है, इसकी पूरी एक अलग क्लास होगी हमारी, फ्लैक्स बॉक्स करके एक चीज़ होती है, ये पूरी हम एक सेपरेट क्लास करेंगे, उसमें पूरा समझेंगे ये काम कैसे करता है। ठीक है, अभी जस्ट ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है कि क्लास कैसे बनती है। ठीक है, अभी वो प्रॉपर्टी क्या लग रही है उस पर मत जाइएगा फिलहाल। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो बटन है मेरे, सही है, उसमें मार्जिन हो जाए, ठीक है, 10 पिक्सल मार्जिन हो जाए। तो ये दूर दूर हो गया बटन इस तरह। अच्छा, मैं ये सी एस एस यहाँ से भी अप्लाई कर सकता हूँ, राइट, ये जो गूगल क्रोम का डेवलपर टूल है ना, यहाँ से मैं गया और मैं इस आइटम को जब मैं सेलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे देखें ये यू एल और ये एल आई, ये नैव लगा हुआ है, ये बटन लगा हुआ है, ये दोनों मुझे नज़र आ रहे हैं, राइट। तो मैं नैव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डॉट नैव के अंदर जो जो चीज़ें ना उसको मैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे देखो बटन की क्लास भी दिखा रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, बजाय बार बार डॉक्यूमेंट पे जाने के, मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जो चेंज करता हूँ मैं वो टेम्प्रोरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं दो तीन डिफरेंट तरह की चीज़ें अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे साथ होता है कि कितने पिक्सल मार्जिन दूंगा तो बेस्ट रहेगा। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ से आके इसको थोड़ा कम ऐसे करके देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार इतना सही है। फिर इस पर मैंने कहा कि यार लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है, तो ये इससे वो लिस्ट की जो गोल गोल बने हुए थे वो गायब हो गए। अच्छा, फिर मैंने उसको बोला कि आप क्या ले लो, बॉर्डर ले लो आप 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू और रेड बल के कर देता हूँ, सही है, मैच हो जाएगा, ये मैंने कह दिया। फिर मैंने उसको बोला कि आप पैडिंग भी ले लो थोड़ी सी, 5 पिक्सल की एटलीस्ट पैडिंग ले लो, सही है, तो ये बटन की शेप में आता जा रहा है ये। फिर मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर भी जो आपका होगा ना वो क्या होगा, ग्रे होगा, मे बी ग्रे, शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा कलर सेलेक्शन से ना इसको थोड़ा सा, ये इतना ग्रे चाहिए मुझे एक्चुअली, सही है। तो यहाँ पे ही मैंने कैसे किया, ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है ना, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये पूरा कलर पिकर आ गया यहाँ पर। और अभी इसने नाम नहीं लिखा है बल्कि कोड लिखा है। अब ये कोड और नाम में क्या डिफरेंस होता है ये भी आगे बुक में डिस्कस हो रहा है। अच्छा, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई बॉर्डर रेडियस जो है वो आप ले लो 5 पिक्सल, या चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ना जी पैडिंग तो इसने ले ली है, मैं चाहता हूँ कि पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट जो है ना थोड़ी ज़्यादा हो। मैंने कहा पैडिंग डैश राइट, ठीक है, थोड़ा चौड़ा बटन चाहता हूँ मैं। मैंने कहा कि ये वो 20 पिक्सल, सही है, पैडिंग लेफ्ट हो 20 पिक्सल, ठीक है, बटन थोड़े चौड़े चौड़े चाहता हूँ। हाँ, कर सकते हैं, अभी हम वो असल में अभी तो क्लास की डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है, अभी प्रॉपर्टीज़ की नहीं हो रही। अब मैं ये सारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरी एक क्लास तैयार हो गई है। ये किस चीज़ की क्लास तैयार हो गई है, बटन की क्लास तैयार हो गई है, सही है। रिफ्रेश करूँगा तो अब ये गायब नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया उसको। अब ये जो बटन की क्लास बन गई है ना, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी इसको चीज़ पे लगाऊंगा ये बटन के जैसा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नया एल आई ऐड करता हूँ अगर, सही है, जिस ऑब्वियसली शुरू में तो इसमें नहीं होगा ना बटन, ठीक है। मैंने कहा आइटम 4, तो आइटम 4 ना पहले शुरू में कैसा आ रहा होगा, अगर आप इसको देखें तो ये बगैर बॉर्डर के और ये डॉट के साथ आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लास अप्लाई करूँगा ना बटन,
ठीक हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा उस बटन के साथ साथ शामिल हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे नोट करें, अब मैंने दो क्लासेस बनाई है, एक नेव बनाया है एक बटन बनाया है। अच्छा यही सेम काम आईडी से भी कर सकता हूँ मैं ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा क्लास जो है वो मैं एक दफ़ा बना लेता हूँ, कई जगह अप्लाई करता हूँ, लेकिन आईडी पे जो है ना वो एक ही दफ़ा लगा सकता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे मेरे केस में आईडी जो है वो इस पे लगी हुई इंट्रो के ऊपर, ठीक है। तो इंट्रो के ऊपर अगर मुझे कोई भी चीज़ लगानी है ना, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा हैश और इंट्रो, और यहाँ पर मैं कोई भी स्टाइलिंग लगा दूँ, मैं बोलूँगा कि यार कलर ही चेंज कर देता हूँ, चलो कलर इसका मैं ब्राउन कर देता हूँ, राइट। तो ये जस्ट इस वाले का कलर ब्राउन करेगा। अच्छा इस वाली चीज़ को मैं कहीं और नहीं लगा सकता, ठीक है। अच्छा मेनली जो आईडी है वो स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बिल्कुल पिन पॉइंट करके अगर मैं किसी चीज़ पे स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, फिर आमतौर पर आईडी की ज़रूरत मुझे ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में पड़ती है कि भाई इस एलिमेंट को उठाओ, इसकी वैल्यू उठाओ, इस तरह करके ना इन चीज़ों के लिए। तो आईडी आमतौर पर स्टाइलिंग के लिए अप्लाई नहीं की जाती है। अच्छा वेल अभी मैं इस पर आ जाता हूँ वापस, क्या मेरे पास ये दो क्लासेस मुझे बनानी पड़ी हैं, क्या मैं इसको एक क्लास पर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको दो क्लास की जगह एक क्लास पर रिड्यूस कर सकता हूँ इसका जवाब है हाँ। यहाँ पे हमारे पास आता है चाइल्ड सेलेक्टर। अब चाइल्ड सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, मैचेज एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अनदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एल आई, उसके बाद फैट एरो, फैट एरो तो नहीं बोलते, फैट एरो में एक इक्वल्स टू भी होता है, एरो बोल लो सिर्फ उसको, ठीक है, ग्रेटर देन और ए। इसका मतलब है कि एल आई के अंदर जो एंकर टैग है ना उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, काम हो जाता है बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे नहीं होता इसके बगैर काम। वेल अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके ये चलता कैसे वो बताना चाह रहा हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा डॉट नेव और एक मैंने इस पर स्टाइलिंग लगाई थी, मैंने दूसरा एक क्लास और बनाई थी, मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसकी जगह बोल सकता हूँ डॉट नेव के अंदर जो एल आई के एलिमेंट्स हैं उस पर अप्लाई कर दो। तो ये सेम काम हो गया ना, नोट कर रहे हो, मैंने कहा नेव को एक तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो जिस पे नेव लगा हुआ है, उस नेव जिस पे लगा हुआ है ना उसके अंदर एक एलआई तलाश करो, जितनी भी एलआई उसके अंदर है उसको तलाश करो। अच्छा ये डायरेक्ट चाइल्ड की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, एलआई जितने भी है ना उस पे ये अप्लाई कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तो वो देखिएगा नेव कहाँ लगा हुआ है, वो इधर लगा हुआ है, और उसके अंदर फिर एलआई जितने भी होंगे ना उस सब पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड की बात हो रही है, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर कोई मजीद एलाई होगा ना ऐसे, तो उस पर नहीं अप्लाई होगा, ये डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर होगा, ये सही है। अच्छा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये डबल डबल क्लास बनाया था उसको, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, एक ही क्लास में मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा कोड थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। तो मैं जस्ट किसी भी यू एल पे मैं लगाऊंगा ना क्लास नेव, तो वो यू एल ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाएगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक ज़रा टॉप पे बना लेते हैं हम एक और यू एल, मैंने कहा यू एल बनाओ उसमें एल आई होम गैलरी अबाउट कॉन्टैक्ट, राइट। अभी ये सिंपल दिख रहा है इस तरह का, जैसे ही आता हूँ मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ नेव, गॉट इट। तो क्लास का हमारे पास ये बेनिफिट है, और क्लास बहुत वाइडली इस्तेमाल होता है, बाकायदा CSS की कुछ लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं वो चलती ही क्लास के ऊपर है, जैसा कि बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है वो पूरा क्लास के ऊपर काम करता है, उसमें क्या होता है बटन वटन के पहले से क्लास बने हुए, आप एक डिव बनाते हो, क्लास देते हो बटन, वो बटन बन जाता है, क्लिकेबल हो जाता है, सही है। तो ये हमने क्लास बनाकर देखा है। अच्छा उसके बाद हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर है। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर में डिफरेंस ये है कि चाइल्ड सेलेक्टर सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होता है, जैसे मैंने जिक्र किया कि उस एलिमेंट के अंदर अगर कोई और होगा ना, मतलब एलआई के अंदर, एलआई के अंदर एलआई, तो उस पे नहीं चलेगा वो सिर्फ पहला जो डायरेक्ट चाइल्ड है उस पे चलेगा, सही है। मिसाल के तौर पे ये जो यूएल है इसका डायरेक्ट चाइल्ड जो है ना एलआई उस पे चलेगा। अगर इमेजिन करें कि इसके अंदर यहाँ पे एक डिव है बीच में, सही है, एक डिव है और इसके अंदर फिर एक एलआई है, तो ये एलआई इसका पेरेंट कौन है, ये डिव है, ठीक है, और इसका ग्रैंड पेरेंट है ये जहाँ जहाँ पे क्लास लगी हुई है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि नैव के अंदर रहते हुए, मैं बोलूंगा नैव के अंदर जो एलआई है चाइल्ड सेलेक्टर से, तो वो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड यानी इसकी बात हो रही है, और डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा, एलआई वाला, तो मतलब इस डिफ पे भी अप्लाई नहीं होगा, और ना ही इस डिफ के अंदर अगर कोई एलआई होगा तो उस पर अप्लाई होगा। अच्छा, डिसेंडेंट सेलेक्टर ऑन अदर हैंड क्या करता है कि चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर उसमें अप्लाई हो जाता है। देखें इन्होंने क्या बोला है कि भाई पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी एंकर टैग अगर आ जाए, अच्छा इसमें कोई बीच में साइन नहीं है, स्पेस सेपरेटेड, स्पेस का मतलब है डिसेंडेंट सेलेक्टर है ये। तो मैंने कहा कि पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होना चाहिए वो पैराग्राफ का, बल्कि पैराग्राफ के अंदर कोई डिव के अंदर भी अगर एंकर टैग है तो उस पर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, कोई भी मैं चाहता हूँ कि लिंक को ब्लू करके दिखा दिया जाए, बाकी पैराग्राफ तो ब्लैक है लेकिन लिंक को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पैराग्राफ के डिसेंडेंट्स में, डिसेंडेंट बाय द वे इंग्लिश में किसको कहते हैं कोई बता सकता है? नेक्स्ट जनरेशन, जैसे मैंने चाइल्ड इसमें बताया एग्जैक्टली वही सी चीज को ही कहते हैं। जैसे एक मेरा चाइल्ड होगा तो वो क्या है, मेरा डायरेक्ट चाइल्ड है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन मेरे चाइल्ड का जो चाइल्ड का चाइल्ड होगा, और वो पूरी एक ट्री चलेगी आगे, वो सारे जो बच्चे होंगे यानी पोते पोतियाँ जिसको कहते हैं, तो पोते पोतियाँ इन जनरल डिसेंडेंट्स होते हैं, इन जनरल डिसेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिसेंडेंट की वो वाली बात होगी। अच्छा, इसी तरीके से एडजेसेंट सिबलिंग है, एडजेसेंट सिबलिंग भी जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है ना, फिर वहाँ पर इसके बगैर काम नहीं होता। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई एक एच वन का एलिमेंट होगा और उसके बिल्कुल पड़ोस वाला जो सिबलिंग है ना पैराग्राफ, उस पे ये स्टाइल अप्लाई करना है, बिल्कुल पड़ोस वाला, चाइल्ड नहीं सिबलिंग, ये चाइल्ड की बात नहीं हो रही, ये सिबलिंग की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे H1 का जो डायरेक्ट एडजेसेंट सिबलिंग है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि इस H1 के एडजेसेंट सिबलिंग जो है, तो वो सिर्फ इस पैराग्राफ की बात होगी, ये इसका एडजेसेंट सिबलिंग नहीं है, है तो सिबलिंग लेकिन पड़ोस वाला नहीं, एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल बराबर में जो सिबलिंग बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ भी है तो सिबलिंग एच वन का लेकिन पड़ोस वाला नहीं है। ठीक है, ये आप लोग चला कर देख लीजिएगा, कोई अभी ऐसा इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जनरल सिबलिंग, जनरल सिबलिंग में भी क्या है, एच वन का जनरल सिबलिंग पैराग्राफ, तो अब इसका मतलब है कि एच वन ये रहा। ठीक है, ये एच वन है मेरा, अब इसके ये सिबलिंग है, ये भी सिबलिंग है, ये भी सिबलिंग है, लेकिन ये लास्ट वाला पैराग्राफ नहीं है तो इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लास्ट में कोई और पैराग्राफ होगा तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेसेंट सिबलिंग नहीं, बट इसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं, जनरल सिबलिंग। जनरल सिबलिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, ये ऐसे वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अलिफ मद्दा हाइफन बोलते हैं वैसे फॉर्मली, लेकिन अलिफ मद्दा भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है यार, ये हाउस सी एस एस रूल कैस्केड हमने पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ा था, मुझे तो लग रहा था पढ़ लिया। ये वाले तीन रूल हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था कि लास्ट रूल और स्पेसिफिसिटी, कोई बोल भी नहीं रहा आप में से कि यार नहीं पढ़ा हमने ये, मतलब देखो इसका मतलब तो ये ना कि क्लास में बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होते आप लोग, कहीं और ही खोए हुए होते हैं। नहीं वो तो अच्छा, अब समझ आया मेरे, मतलब तुम लोग सोचते हो कि यार पता नहीं शायद ब्रेक के बाद तो नहीं पढ़ाया था ये जब मैं भाग चुका था इसलिए कोई बोल रहा नहीं था। नहीं लेकिन बहुत सारे होते तो हैं, उन्होंने भी नहीं बताया कि सर हमने पढ़ा नहीं है। असल में मैं बैक टू बैक डिफरेंट क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, तो इसलिए सम टाइम मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि कोई ऐसी, जब भी मैं पूछता हूँ कि यार ये मैंने डिस्कस की है बात, अगर वो नहीं किए तो फिर मैं ऑब्वियसली उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वेल हम बुक इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि बुक में, क्योंकि सीक्वेंस में हर चीज़ है तो कोई चीज़ मिस नहीं हो पाती, अगर हम बुक को लेकर चले ना बुक के सीक्वेंस से, तो कोई चीज़ अगर मिस हो रही भी होती है तो वो जब टॉपिक बुक में कवर होता है तो वहाँ पे वो डिस्कस हो जाती है बात। ठीक है, अच्छा अभी आपके एथिक्स के टीचर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, एथिक्स की क्लास आपकी अभी तक शायद नहीं हुई है, पहली क्लास होगी आपकी। तो जैसा कि सैलानी में हम टेक्नोलॉजी के हवाले से सारे कोर्सेस कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे हाथों में है वो, सही है। तो
मतलब जैसे चाकू है, गन है, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन वो उतनी अच्छी है वो जितने अच्छे हाथों में। ये तो टेक्नोलॉजी भी वेपन है ऑब्वियसली, आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी इज़ अ वेपन, ठीक है, डेटा इज़ अ वेपन। तो वो डेटा जितने अच्छे हाथों में होगा वो उतना ही अच्छा रहेगा, और जब वो बुरे हाथों में जाएगा तो वो ऑब्वियसली उसका बुरा इस्तेमाल होगा। वेल, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जब आप पढ़ के निकलें तो ना सिर्फ आपको टेक्निकली ट्रेन किया जाए अच्छे से, ताकि आप मार्केट में कंपटीशन कर सकें और कॉम्पिटेंट हो, आप एक वर्ल्ड क्लास डेवलपर के तौर पे आप कॉम्पिटेंट डेवलपर बन के निकलें यहाँ से, और उसके साथ साथ ही आपके अंदर एक अच्छी एथिक्स भी हो, और आपकी अखलाकियात पे भी थोड़ा सा चाहते हैं इनके काम करें, ताकि कल को जब आपके हाथ में ये वेपन है तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो सर आ जाए है। हाँ, बता ही चुका हूँ कि हाउ सी एस एस रूल कैस्केड, लेकिन यहाँ पे ये स्क्रीन नहीं आई है, स्क्रीन हाँ भाई आ गई स्क्रीन। हाँ भाई, अरे यार ये क्या बकवास है, स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही। अच्छा, तो जो लास्ट रूल होगा उसकी प्रेसिडेंस होगी। अगर एक एच वन पे लिखा हुआ है ब्लू और एक एच वन पे लिखा हुआ है रेड, तो बाद में जो लिखा हुआ होगा उसको वो पकड़ लेगा, जो पहले मतलब पहले वाले को ओवरराइड कर देगा वो। जी ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर तो आपके डेक्लेरेशन होंगी ना। नहीं, ये तो जैसे आपने कहा ना, देखो पहले आपने कहा कि सिर्फ एच वन, आपने कहा स्टैरिक, और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसमें डेक्लेरेशंस बनाई, ठीक है, फिर आपने कहा एच वन या तीन लिख दिया आपने कॉमा सेपरेटेड, उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन की अंदर डेक्लेरेशंस लगाए, ऐसे ही कर रहे हो ना। तो इसी ये ब्रैकेट तो सब में लगेगी ना लास्ट तक है ये, तो ये ब्रैकेट जो है असल में मैंने सेम लाइन में नहीं की हुई है, मैं अगर आपको अपने कोड में दिखाऊं तो ये है वो ब्रैकेट, ये ओपन हो रही है या क्लोज हो रही है, बुक में उन्होंने इधर ही क्लोज किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई डेक्लेरेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है हमें तो उसको मल्टीपल लाइन में करना होगा क्योंकि बीच में डेक्लेरेशन है ना। समझ आ गया, जवाब हो गया तुम्हारे? हाँ हाँ तो ये कॉमा सेपरेटेड करके तो आप कर सकते हो ना, ये कॉमा सेपरेटेड करके आप मल्टीपल सेलेक्टर लगा सकते हैं, ये डिसेंडेंट है, चलो सही है, ये डिसेंडेंट है ना, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मल्टीपल डिसेंडेंट चाइल्ड का क्या मतलब? ऐसे एक पैराग्राफ है और उस, हाँ ए बना हुआ है, डायरेक्ट चाइल्ड है ये, डायरेक्ट चाइल्ड्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, और उसके अंदर कोई डिव होगा, कोई और पैराग्राफ होगा, उसके अंदर कोई एंकर होगा, उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो एक आपका डायरेक्ट चाइल्ड होता है, ठीक है, जो बेटा या बेटी जिसको कहते हैं हम, नाम रखा हुआ है हमने, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट चाइल्ड कह रहे हैं उसको, फिर उस बेटे या बेटी के मजीद आगे बेटा बेटी होते हैं, फिर उसके फूफा के चाचा के मामा के, तो वो भी आपके डिसेंडेंट्स में ही आ रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि ये तो चलो बात हो गई कि भाई पैराग्राफ के अंदर डिसेंडेंट कोई भी एंकर टैग हो, ये तो उसकी बात हो गई, अब आप कह रहे हैं कि पैराग्राफ के अंदर ही मुझे इमेजेस पे भी कुछ सेम यही चीज़ लगाना है, ठीक है, तो कॉमा सेपरेटेड करके आप लगाते रहेंगे इसको, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे लेके चलते हैं टॉप पे। तो मैंने कहा ना कि पैराग्राफ के अंदर जो ए है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगा के मैं मजीद मैंने कहा यू एल पैराग्राफ के अंदर जो वो जो यू एल है जितने भी उन पे भी अप्लाई कर दो, लाइक दैट,
मैंने कहा कलर सही है लाइक दिस ऐसे ये। ये लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि फिर डायरेक्ट ब्रैकेट है ना, तो ऐसे मैं कॉमा कॉमा करके जितने सेलेक्टर चाहूँ लगा सकता हूँ। सही है, सेलेक्टर मेरे लिए लिमिटेशन नहीं है कि मैं सेलेक्टर नहीं लगा सकता। अब ये अभी कोई हमारे पास ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिस पे ये अप्लाई हो सके वेल, लेकिन इस तरह करके आप कॉमा सेपरेटेड लगा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा और कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का? जी हाँ, नहीं मतलब इसमें समझ में क्या चीज़ नहीं आई? अच्छा एक्सटर्नल, ये सेम काम एक्सटर्नल फाइल में कैसे होगा ये नहीं समझ आ रहा। हाँ मैं करके दिखा देता हूँ बिल्कुल, इसको मैंने एक स्टाइल डॉट सी एस एस बना देता हूँ, स्टाइल्स डॉट सी एस एस ठीक हो गया। अब ये जो स्टाइल का टैग ओपन हुआ है और स्टाइल का टैग क्लोज हुआ है ना, इसके दरमियान में जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है इसको मैंने कट किया राइट, इसको मैंने कट किया और अब इसको मैं जाके इसमें पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट, पेस्ट कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे जो मैं ये टैग मैंने लगाया हुआ था स्टाइल्स का, अब ये टैग हटा के मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिंक का टैग लगा दूंगा और स्टाइल्स डॉट सी एस एस इसको मैं, अच्छा जब तक मैं ये लिंक का टैग नहीं लगाता ये पूरा पेज मेरा बगैर स्टाइलिंग के दिख रहा होगा सही, क्योंकि वो तो कट कर दिया मैंने इंटरनल जो था और उसको एक्सटर्नल ले गया। अभी एक्सटर्नल एक्सटर्नल सी एस एस और मेरा एच टी एम एल अभी ज्वाइंट नहीं है, ये लिंक मैंने रोक दिया, तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो क्या होगा, वही सेम चीज़ स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है तो इंटरनल सी एस एस और एक्सटर्नल सी एस एस सिंटैक्स बिल्कुल सेम है दोनों का, ठीक है सिंटैक्स में डिफरेंस नहीं है। स्टाइल का टैग ओपन क्लोज होगा और ऐसे अगर बाहर से लगाना है तो लिंक लगेगा, यहाँ पे अगर मैं डॉट स्लैश लगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है अच्छा बुक में हम चलते हैं वापस। अच्छा ये कैस्केड वाला आपको पता चल गया है कि भाई जो लास्ट रूल होता है वो क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना आई का कलर ग्रीन कर दो और फिर लगा हुआ है आई का कलर रेड कर दो, तो रेड वाले को पिक करेगा, ये ग्रीन वाले को ओवरराइड कर देगा। ठीक है ये इसी तरीके से है कि आप किसी पेज पे आप कोई नाम लिखते हैं और आप उसके ऊपर से एक दूसरा नाम लिख देते हैं, वाइटो लगा के या इंक रिमूवर करके उस पर एक दूसरा नाम लिखते हैं तो पुराना हट के दूसरा लिखाता है उसमें। ठीक है तो इसको हम कहते हैं ओवरराइड हो जाना। अच्छा और उसके बाद जो स्पेसिफिक होगा, ठीक है एच वन अगर लिखा हुआ है इज मोर स्पेसिफिक देन स्टेरिक, अगर स्टेरिक है तो कम स्पेसिफिक है, स्पेसिफिसिटी समझते हो ना, स्पेसिफिसिटी। मैं अगर बोलूँ कि यार मैं किसी को बोलूं कि यार क्लास से ना एक स्टूडेंट आ जाए, तो ये मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन आ जाए, कोई भी एक आ जाए। ठीक है अगर मैं इसी को मज़ीद स्पेसिफिकली बोलूं कि क्लास से एक ऐसा स्टूडेंट उठ के आ जाए जो लास्ट क्लास में था, तो कुछ लोग उसमें से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। सही है जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो बाहर हो जाएंगे। मैं इसको मज़ीद स्पेसिफिक कर दूँ कि जो लास्ट क्लास में था वो है और जो हाइट में लंबा है वो है। सही है मिसाल के मुझे कुछ ऊपर काम करवाना है, बल्ब निकलवाना है या प्रोजेक्टर सही करवाना है, ठीक है तो मैंने एक और इस पर, तो और कुछ लोग और बाहर हो जाएंगे जो लंबे वाले नहीं हैं। ठीक है फिर मैं साथ में ये भी बता दूँ कि भाई जो बंदा कल आया था और कद लंबा है उसका और टेस्ट में पास है तो कुछ और बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हो तो ये मज़ीद स्पेसिफिक करता जा रहा हूँ मैं रूल को, तो स्टेरिक जो है वो कम स्पेसिफिक है, एच वन इज मोर स्पेसिफिक। अच्छा और ज़्यादा अगर मैं स्पेसिफिक करूँ, मैं बोलूँ कि पी के अंदर जो डिसेंडेंट का सेलेक्टर लगा भाई राइट, पी का डिसेंडेंट है ना जो बोल्ड का टैग और जस्ट पी लिखा हुआ है, तो कौन सा वाला मोर स्पेसिफिक है? ये पहला वाला, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि फलां का डिसेंडेंट हो। ठीक है इसी तरीके से पी के अंदर इंट्रो जो है, ठीक है ये हैश वाला क्या है, आईडी का सेलेक्टर है, तो इसने बोला पी हो और पी के अंदर आईडी लगी हुई हो इंट्रो, तो उस पे लगाओ और जस्ट पी लिखा हुआ हो तो ये कम स्पेसिफिक है। अगर ये वाला लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि ऐसा पैराग्राफ जिस पे इंट्रो की आईडी लगी हुई है
उस वाले पैराग्राफ की बात होगी, ठीक है। तो ये मोर स्पेसिफिक जो होगा वो क्या होगा, उसकी प्रेसिडेंस होगी, और साथ में समटाइम ऐसे इंपॉर्टेंट लगा हुआ होगा तो उसकी प्रेसिडेंस भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास किसी CSS के रूल को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करना होता है, मुझे पता होता है कि ये किसी ओवरराइड हो रहा है कहीं और से, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं यार ज़बरदस्ती इसको करो, इंपॉर्टेंट लगा के करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बाई फोर्स इसकी प्रेसिडेंस को बढ़ा देता हूँ, चाहे वो बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, रिगार्डलेस इंपॉर्टेंट लगाने से क्या होता है वो अच्छा। इंपॉर्टेंट लगाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती है, ये आप मजबूरी की सूरत में लगाते हैं बिल्कुल, या डिबगिंग पर्पसेस के लिए समटाइम इस्तेमाल करते हैं आप वक्ती तौर पर टेम्प्रोरीली, ठीक है। प्रोडक्शन के कोड में इंपॉर्टेंट अगर आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है तो आपके कोड को एक अच्छा कोड नहीं समझा जाएगा, मतलब आपको बिगनर समझा जाएगा, यानी प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा, ठीक है, आपको किसी जूनियर कैटेगरी का समझा जाएगा। आपके कोड जाहिर है जब आप किसी का कोड पढ़ते हैं रीड करते हैं तो उस कोड को देख के आप बहुत सारी चीज़ें पता लगाते हैं ना बंदे के बारे में, ठीक है। एक एक्सपीरियंस डेवलपर का कोड एक अलग तरह का होता है और एक जूनियर डेवलपर का कोड एक अलग तरह का होता है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में मुहावरा है ना कि चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट कोड, ठीक है। चिम्प्स किसको कहते हैं, चिंपैंजी को कहते हैं, सही है। तो चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट कोड, लेकिन जो चिम्प का लिखा हुआ कोड होगा और जो ह्यूमन का लिखा हुआ कोड होगा उसमें क्या फ़र्क होगा, ह्यूमन का लिखा हुआ कोड ना एक दूसरा ह्यूमन के लिए रीडेबल होगा, ठीक है। तो आपका जो कोड है ना वो क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। बिल्कुल कचरा करके लिखेगा अगर बंदा तो उसको बोला जाएगा कि ये ह्यूमन का लिखा हुआ कोड नहीं है, चिंपैंजी का लिखा हुआ कोड है, ठीक है। तो ये तंज करते हैं गोरे आपस में, जब उसको किसी का कोड बहुत ही कचरा हो जाता है ना जब, तो वो कहते हैं कि चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट कोड, मतलब दबे लफ्जों में उसको सामने वाले को बंदर कह रहे हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस, व्हाट डज इट मीन बाय इनहेरिटेंस, अंग्रेजी में इनहेरिटेंस किस चीज को कहते हैं, कौन बताएगा, विरासत। हाँ भाई, विरासत या मौरूसी जिसको कह लें, विरासत से ही वर्ड निकला है मौरूस। तो ऐसा होता है कि कुछ बंदों के जो आँखों का कलर होता है वो अब्बा से लिया हुआ होता है आँखों का कलर, ठीक है। कुछ किसी के अब्बा लंबे हैं तो वो भी लंबा है ना, या समटाइम जो स्किन का कलर होता है हमारा वो हमारा, जैसे हमारा जो ब्राउन स्किन है हमारी ब्राउन तो नहीं है, क्या कहते हैं इस वाली स्किन का, पेल स्किन है हमारी, पता नहीं क्या है, सांवला कलर है, ठीक है, हम सब लोगों का ही ऑलमोस्ट। तो ये हमें कलर कहाँ से मिला है, ये हमें विरासत में मिला है अपने आबा अजदाद से, ठीक है, इनहेरिट किया हमने स्किन का कलर। मतलब बहुत शाद व नादरी कभी ऐसा होगा कि हमारे दरमियान में कोई बच्चा हो बिल्कुल ही दूध की तरह गोरा, सही है। अच्छा, यह होगा तो पठान होगा, तो वो उन्होंने उस अब है रह रहा यहाँ है लेकिन इनहेरिट उसने अपने अब्बा से किया, सही है। तो स्किन का कलर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। अच्छा, इसी तरह जो अब्बा की जायदाद है वो अब्बा के बाद बच्चे को इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर उस बच्चे से कोई पूछेगा कि ये आपके पास ये जायदाद कहाँ से आई, तो वो क्या बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा मैंने ख़रीदा नहीं है, मैंने इनहेरिट किया है, सही है। तो इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। अच्छा, तो अब ये CSS में इनहेरिटेंस, जाहिर है पेरेंट चाइल्ड का जब चक्कर है तो इनहेरिटेंस भी इसमें आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है इस पैराग्राफ में कि कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती है, सही है। और कुछ जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट नहीं होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट नहीं होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जायदादें तो इनहेरिट हो जाती हैं लेकिन नेक अमाल इनहेरिट नहीं होते, ठीक है। नेक अमाल बच्चे को अपने अपने खुद करने पड़ते हैं, अब्बा ने अपने किए थे बच्चा अपने लिए खुद करेगा, सही है, अपने अमाल अपने साथ लेके जाएगा। तो कुछ चीज़ें इनहेरिट हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छे अखलाक इनहेरिट नहीं होते ऑटोमेटिकली, ठीक है। स्किन का कलर तो इनहेरिट हो गया ना, खुद ही से आ गया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अच्छे अखलाक इनहेरिट नहीं होते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, बच्चा अपने अखलाक खुद बिल्डअप करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप का अखलाक अच्छा है तो बेटे का भी हो। तो
इसी तरह CSS के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फॉन्ट फैमिली और कलर, ये वो दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी इन्होंने मिसाल के तौर पे बताई हैं जो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती हैं। अच्छा, इन और इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक पैराग्राफ को बोला है कि आपका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, डिव होगा, पैराग्राफ होगा, कोई बोल्ड इटैलिक होगा, वो सब रेड हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसा कि हमने यहाँ पे ये करके भी देखा था। जैसे देखो यहाँ पे ना, मैंने किसी भी जगह पे इस इटैलिक को और इस बोल्ड को ये नहीं बोला कि तुम रेड हो जाओ, बोला है कहीं पे भी? नहीं बोला। CSS में हम देखेंगे कहीं पे भी बोल्ड इटैलिक को मैंने नहीं बोला कि रेड हो जाओ, और ना कहीं डिसेंडेंट का कोई सेलेक्टर ऐसा लगा हुआ है। लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो ये भी रेड है, सही है, ये रेड है। एक काम करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। ओके, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कचरा हो गया ना। इनहेरिटेंस करके मैंने एक नई फाइल बना ली, नया फोल्डर बना लिया, इसमें एक नई फाइल बनाता हूँ, index.html। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बेसिक HTML लिख देता हूँ। सही है, इनहेरिटेंस। और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, बल्कि एक मैं डिव बना देता हूँ, एक डिव बनाता हूँ मैं। इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ दो पैराग्राफ। तो अगर मैं इस डिव को आकर कहता हूँ कि आप क्या हो जाओ, ब्लू हो जाओ, ठीक है, और इस ब्लू को लेकर मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करता हूँ कि डॉट ब्लू में कलर आपने करना है ब्लू, ठीक है, तो बावजूद के इसके डिव पे लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली इसके जो चिल्ड्रन है अंदर, ये इस चीज़ को इनहेरिट कर लेंगे कि भाई मेरे अब्बू पे ब्लू कलर लगा हुआ है, तो हमने भी ब्लू कलर लगाना है अपने अंदर। सही है, इसको हम ज़रा चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, और अभी भेज देता हूँ। फॉन्ट फैमिली अगर मैं उसको बोलूं, तो फॉन्ट फैमिली भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है, क्योंकि इट इज़ सपोज टू बी इनहेरिटेड। भाई जाहिर है, अगर मैं एक पैराग्राफ अगर मैंने किसी खास स्पेसिफिक फॉन्ट में लिखा है वेबसाइट में, तो सारे पैराग्राफ उसी फॉन्ट के होंगे, कोई एक आध बीच में अलग होगा वो बात अलग है, लेकिन आमतौर पर तो सारे एक ही होंगे। ठीक है, तो एक वेबसाइट पे पैराग्राफ के लिए एक ही जैसा फॉन्ट यूज़ होता है। इसी तरीके से पैराग्राफ का जो कलर है, ऐसा तो नहीं होगा कि एक रेड में है तो दूसरा ब्लू में है तो तीसरा येलो में, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत रेयर केसेस में, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ सपोज टू बी इनहेरिटेड। अच्छा, ऑन अदर हैंड, अगर मैं इसमें ये बोलूँ कि भाई आप ना बॉर्डर ले लो, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, तो ये बॉर्डर मैं किस पे लगा रहा हूँ, जो ब्लू जिस पे लगा हुआ है ना, इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये इसके चिल्ड्रन में इनहेरिट नहीं होगा, बाई डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो नहीं हुआ, ये डिव के ऊपर लगा है स्क्वायर, इन दोनों पे नहीं लगा। जो ये दोनों चिल्ड्रन, अगर दोनों चिल्ड्रन पे लगता तो कैसा फील कराता ये, वो ऐसा फील कराता, ये करके दिखा देता हूँ मैं कैसा फील कराता। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखता ये, ठीक है, इस तरह का दिखता अगर वो इनहेरिट कर लेता तो। ठीक है, ये मैंने ज़बरदस्ती की है इसके साथ। ठीक है, तो ये बाई डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है और कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड नहीं है? क्योंकि इन्होंने बोला भाई CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, टोटल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कुछ इनहेरिट हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो उसको पता लगाने का कोई तरीका होना चाहिए, तो उसको पता लगाने का एक तरीका है बहुत ज़बरदस्त। मैंने कहा कि MDN और बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो अभी हम देख रहे थे, MDN क्या है, Mozilla वालों ने एक डॉक्यूमेंट तरतीब दिया है, तो वो है। तो मैं Mozilla के डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ये बॉर्डर लगाना बता रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे। जी, मैं 2 मिनट भेजता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ बनाई भी होगी इन्होंने,
कि यार ये क्यों नहीं बनाई थी। बॉर्डर बॉर्डर यहाँ पे ना इनहेरिटेड, एक मिनट ये रहा, ये कौन सी हेडिंग पे बताया हुआ है, फॉर्मल डेफिनेशन में। हर सीएसएस की प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे ना इस एमडीएन के डॉक्यूमेंट पे, तो वहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन लिखी भी होगी, उसमें लिखा होगा इनहेरिट नो या इनहेरिट यस। बॉर्डर के केस में इनहेरिट क्या है, नो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ किसी और दूसरे पे, जैसा कि कलर जो उन्होंने जिक्र किया था, ओके ये हम बॉर्डर पे खड़े हुए ना इस वक्त, और अगर हम जाते हैं हम चले जाते हैं कलर पे, ठीक है ये कलर आ गया ना, तो इसके नीचे जो फॉर्मल डेफिनेशन होगी उसमें क्या लिखा हुआ होगा, उसमें यस लिखा हुआ होगा। सही है, इनहेरिट यस लिखा हुआ है इसमें। तो इसी तरह जितनी भी प्रॉपर्टीज आप देखते जाएंगे, अगर आपको ये पता लगाना है, वैसे तो लिखते ही पता चल जाएगा प्रॉपर्टी को, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के बेस पे जाके देखना है कि यार ये कौन सी वाली होती है, तो यस नो आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा तो आप सब लोग चले जाएँ नमाज़ पढ़ने, फिर हम वापस आते हैं, 10 मिनट की क्लास फिर वापस आने के बाद होगी।